नमस्कार। प्रकाशक के मंच पर आप सभी, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऐसी ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश में विदेश में एक अलग अपनी एक भूमिका बनाई है, और हम कह सकते हैं कि उन्होंने देश के गौरव को बनाया है, और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो बहुमुखी व्यक्तित्व वाले हैं। बहुमुखी इसलिए क्योंकि वो एक अध्यापक के रूप में भी उन्होंने लोगों को शिक्षा देकर के उनका मार्गदर्शन किया, इसके अलावा वो एक इतिहासकार के रूप में, और ऐसे वैसे इतिहासकार के रूप में नहीं बल्कि एक हम कह सकते हैं कि शोधार्थी, शोध करने वाले एक ऐसे इतिहासकार रहे जिन्होंने लखनऊ के बारे में शायद उन गलियों तक गूगल ना पहुंच पाया हो जिन गलियों तक वो पहुंचे। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर योगेश जी की, योगेश प्रवीण जी, जिनके बारे में शायद ही कोई ना जानता हो। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, पूरा भारत हो, और भारत से बाहर के लोग भी इस नाम से परिचित है, और इस नाम की जो खासियत है, जो विशेषताएं हैं, उनसे भी परिचित है। ये दो बातें तो हमने आपसे अभी की। इसके अलावा योगेश जी के व्यक्तित्व की एक और अलग पहचान है, वो है एक कवि और गीतकार के रूप में। वो साहित्यकार के रूप में है। उनका गद्य जितना प्रबल है, जितना प्रखर है, उतना ही समृद्ध उनका पद भी है, उनका काव्य लेखन है। एक गीतकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, इन दोनों ही रूपों में वो जाने जाते हैं, और आज हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। योगेश जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अपने सभी जितने भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं उन सभी को। जी योगेश जी, मैं योगेश प्रवीण, एक कलमकार के रूप में सिर्फ भारतीय संस्कृति यावत तहजीब का लंबरदार ही नहीं रहा हूँ, मुझे नई पीढ़ी तक उसके समस्त गौरव संस्कारों को पहुंचाने का हमेशा से मैंने, मेरे अंदर उसके लिए एक तड़प रही और मैं करता रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज अपने आप में वो संतुष्टि महसूस कर रहा हूं, जैसे हमारे सामने डॉक्टर अशोक हमराही और सभी इस तरह के नौजवान नई पीढ़ी के लोग जो लेकर के अपने ऐसे जो पुराने परंपरागत तौर तरीके थे उनको आगे बढ़े हैं और सब तक पहुंचा रहे हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि भारतीयता जो है अपने आप में इंसानियत का एक सबक है, सबसे मिलजुल कर जीना, सबके वास्ते आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करके एक दूसरे के लिए अपने आप को लगा देना, यह हमारे ही संस्कृति में है जो हम पाते हैं, और शायद कहीं और ऐसा मुमकिन है नहीं। फिर भी नई पीढ़ी जिस तरह से अपनी इन तमाम विषयों को, तमाम सांस्कृतिक मूल्यों को आगे लाना चाह रही है, आगे लेकर बढ़ना चाह रही है, मेरी समस्त शुभकामनाएं उसके साथ हैं, और मैं हमेशा से इन सब का मुरीद रहा हूँ। बहुत सही बात कही आपने योगेश जी, और ये बात बिल्कुल सही है, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन आप हमेशा करते रहे हैं, और एक मैं भी एक ऐसा अदना सा व्यक्ति रहा हूँ जिन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपका सानिध्य मिला, आपका प्रेम मिला, आपका स्नेह मिला, और आप जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते पर उन पगडंडियों को पकड़ने की कोशिश हमने भी की, तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोग होंगे, और हम तो जानते हैं कि लखनऊ का शायद ही ऐसा कोई साहित्य से जुड़ा हुआ या संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जो आपके करीब कभी न कभी न आया हो और आपसे प्रभावित न हो। जी, जैसा आपने कहा, ऐसा मैंने अपने जीवन महसूस किया, और मैंने ये पाया कि वो जैसे मेरे ही कोई बड़े करीबी हैं, और हरदिल अजीज लोग हमारे यहाँ आते रहे, और उन्होंने जो चाहा मैंने उनको उससे अधिक दिया जिसकी तमन्ना लेकर वो आए थे, और ऐसे अवसर भी आए नागर जी ने एक महफिल में तमाम लोगों के बीच में मुझको सम्मानित किया था,
और उनको जो सम्मान के लिए गेंदे का हार पहनाया गया था वो हार उन्होंने गले से निकाल कर मुझे पहना दिया। मैं ये सोच कोई भी सम्मान, वो मेरे गुरु थे और अगर उन्होंने इस तरह मेरे साथ व्यवहार किया उससे बड़ा मेरे लिए कोई और सम्मान नहीं हो सकता। और यही हम नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं कि वो अपने मूल्यों को लेकर मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाए अपनी मंजिल की तरफ। ईश्वर चाहेगा तो मंजिल उसके कदम चूमेगी। बिल्कुल सही बात कही। अच्छा योगेश जी, अब हम कुछ आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई आपका जो एक रचना मंडल है, एक तरह से कह सकते हैं रचना मंडल इसलिए कहेंगे क्योंकि जैसे सूर्य की बहुत सारी किरणें होती हैं अलग अलग रंगों की और एक आभा मंडल बना देते हैं, उसी तरह से आपका भी एक रचना मंडल है, अलग अलग रंग है, अलग अलग किरणें हैं आपके व्यक्तित्व की। तो हम सबसे पहले शुरुआत वहां से करेंगे जहां से आप एक लखनवी, हम तहजीब की बात तो बाद में करेंगे, एक लखनवी और एक लखनऊ की पहचान बने आप। वो दिन आपको याद है कि जब आपने शुरुआत की थी लखनऊ के बारे में खोजबीन करनी शुरू की थी, लखनऊ पर लेखन शुरू किया था, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे अगर आपको याद आ रहा हो उस समय के बारे में। हाँ, वो कि मेरे लिए ये कहा भी जाता था मेरे घर वाले कि ये पता नहीं किसी बादशाह की भटकी हुई रूह है, कौन है कि जो हर समय यहाँ की इमारतों पुराने खंडहरों में कुछ ना कुछ ढूंढा करती है। अच्छा, और मुझे कुछ जो हमारी परंपरागत विचार बातें हैं उनमें आता है कि हकीम लुकमान से पतियां बातें करती थी कि आए हकीम मुझ में ये सिफत है, मुझको तोड़ लो और अपने मरीजों का इलाज करो। तो उसी तरह मेरे लिए कहा जाता है कि यहाँ की लखौड़ियाँ उनसे बातें करती हैं लखनऊ की और अपना इतिहास उनको सौंपती हैं, बताती हैं। ये लगन की बात है, ये मुहावरा है, ये खाली रंगदार जबान है, कहावत है। और बस वही बात है कि मैंने देखा कि जो लखनऊ का चित्रण किया जाता है, एक नुमाइश में मैंने हैदराबाद में ऐसा पाया था, वहाँ सभी प्रदेशों के प्रांतों के बड़े अच्छे अच्छे खेमे थे, कैंप लगे थे, एग्जीबिशन थी, लेकिन लखनऊ जो दिखाया गया था बड़ा वाहियात था। और एक मेरी बहुत परम शिष्या कहूँ मैं, विशालाक्षी राव थी उस यूनिवर्सिटी में, और कादम्बनी मेरे लेख निकलते थे वो तेलुगु में भी छापती थी, तो उन्होंने बुलाया था। तो मैंने देखा के बाहर एक बड़ा मरियल सा नवाब बना हुआ, बहुत फटे हाल, एक बटेरों का पिंजड़ा लिए कमर झुकाए खड़ा है। अंदर जाइए तो वो बड़े पट्टे की पिशवाज पहने, लाल लाल दुपट्टा ओढ़े, झूमर लगाए सर, एक तवायफ आदाब बजा ला रही है। वहाँ चौकी पे शतरंज बिछी है, दीवारों पे पतंगे चिपकी हैं, एक तरफ बटेरों का पिंजड़ा रखा है, एक तरफ पानदान रखा है, हुक्का रखा है, सब रखा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे लगा ये एक खड़ी हुई विलासी संस्कृति का प्रतीक है लखनऊ। तब मैंने अपनी आवाज यूं कि लोगों को ये, मेरे बच्चों को क्यों नहीं बताया जाता कि हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी लखनऊ ने दी, लखनऊ में दरबार में लखा इंशा ने उसको लिखा, जो हिंदुस्तान का पहला ड्रामा है, नित्य नाटिका जिसे आज हम कहते हैं, तमाम बैले होते सब, वो लखनऊ में गोलागंज में आगा अमानत ने, मिर्जा अमानत ने इंद्र सभा के नाम से लिखा, वो प्रथम है। इसी तरह आप तमाम चीजों में देखेंगे कि लखनऊ में जाने आलम पे तमाम इल्जाम जरूर हैं, लेकिन उन्होंने संगीत के 5 घराने कायम किए, कैसर बाग में परी खाना, तबला घराना, कथक घराना, ठुमरी घराना, ख्याल का घराना, ये सारे उनके दिए हुए घराने हैं जो लखनऊ में उन्होंने इजाद किए। तो इस तरह ये आज जिनको लेके हम इतना कुछ कर रहे हैं उसमें लखनऊ की बहुत 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 शिरकत है। भले ही बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हैं,
फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, आगरे में, जयपुर में, बड़े बड़े ब्लॉक स्टोन से बनी हुई हैं वो। लेकिन हमारे लखनऊ की आलीशान इमारतें, वो रूमी दरवाज़ा हो या भूल भुलैया हो या और कोई शाही इमारत हो, वो सब एक बालिश भर की लखौड़ी से बनी हुई, जिसकी कोई मिट्टी में बनाई जाती है, मिट्टी से, उससे ये आलीशान इसमें किए गए हैं। इसी तरह से लखनऊ का दस्तकारी का उद्योग देखिए कि सारी दुनिया में कारचौबी, जरी, मोती, चांदी, सोना पिरो करके तमाम कशीदाकारी होती है हिंदुस्तान से लेके ईरान तक, लेकिन लखनऊ चिकन का काम बनता है वो बहुत मामूली कच्चे सूत से बनता है, जिसमें कोई लागत नहीं होती, सिर्फ जादू होता है, करिश्मा होता है, मेहनत होती है। ये कच्चे सूत का करिश्मा है जिसने दुनिया में अपनी पहचान बना ली। ये एक लखनऊ की अदा है, लखनऊ का चरित्र है। जब लोग मुझसे पूछने लगे कि आपने छोटी छोटी चीज़ों का ये रुतबा बताया, तो मैंने कहा कि जादू हमारे यहाँ सरसों पे पढ़े जाते हैं, तरबूजों पे नहीं। जी, सही बात कही आपने, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरह से आपने जो लखनऊ के बारे में, अब देखिए आपने अपनी जो अभी एक छोटा सा वक्तव्य भी दिया आपने लखनऊ के बारे में, तो कितनी बातें आपने समेट दी, लखनऊ की खूबियां, कितनी आपने खूबियां बता दी। यही एक तो खासियत रही है, और शायद इसीलिए आपने लखनऊ के बारे में शोध करना, लखनऊ के बारे में लिखना शुरू किया। और हमें लगता है कि लखनऊ की गली कूची से लेकर के लखनऊ की इमारतों के बारे में, यहाँ की तौर तहजीब के बारे में, इन सब के बारे में आपने लिखा है। अच्छा, यहाँ की सबसे ज्यादा आपको क्या चीज बहुत ज्यादा भाई, हालांकि यहाँ की तो हर चीज अजीज है, लेकिन आपके आपको क्या बहुत अजीज लगती है यहाँ की चीज, यहाँ की तहजीब, यहाँ की भाषा, यहाँ की इमारतें, यहाँ के रीति रिवाज। जब दिल्ली उजड़ी तो लखनऊ आबाद हुआ, जब हमारे मुल्क में सूरज डूबता है तो अमेरिका में उजाला शुरू होता है, तो इस तरह से तो दुनिया को। लेकिन देखिए, मीर तकी मीर, सौदा, इंशा, मुसफ़ी जैसे शायर आए यहाँ, दिल्ली के पास दिमाग का खेल बहुत ज़्यादा था, लेकिन लखनऊ के पास दिल की आवाज थी। इसलिए का जो रंग है, लखनऊ वाले अलग जान दिए जाते हैं, लखनऊ वाले अलग जान दिए जाते हैं, गुलाब फूलों में पहचान लिए जाते हैं, तीर भी पड़ता है तो दिल में छुपा लेते हैं, यहाँ सर आंखों पे मेहमान लिए। तो आप ये सोच लीजिए, ये जो अदाकारी है, जबान की नरमी है, ये जो दिल जीत लेने वाला हुनर है, ये लखनऊ के पास रहा और इसी से वो दुनिया भर में पहचाना भी गया, हर जगह दूर दूर, मतलब शेर व शायरी में मामूली से मामूली नुक्ते पे और विषय पे यहाँ जो कुछ कर दिया गया, बड़े बड़े सब्जेक्ट पे लोग नहीं कह सकते। यहाँ कहते हैं कि उल्फत का बेवफाओं से मत रो पालिए, उल्फत का बेवफाओं से मत रो पालिए, जामुन की डाल पर कभी झूला न डाल। तो ये अपनी से जुड़े हुए प्रसंग हैं और इनको लेके लखनऊ ने संभाल की। हालांकि दिल्ली वालों को बहुत बुरा लगता था कि वो तो कंघी चोटी के शेर कहते, पान के ऊपर कहते हैं, पतंगों पे कहते हैं, चिड़ियों पे कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ अपने हुनर को तराशता रहा और आखिर में उसकी एक पहचान बन गई कि तुम्हारी मांग ने तो दिल लिया मांग, तुम्हारी मांग ने तो दिल लिया मांग, अब ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी। तो ये जो अदाकारी है, ये जो जबान की तराश है, लखनऊ हमेशा इसको कायम रखता है और नई पीढ़ी हमारी इसको बहुत अच्छी तरह से जानती है, अपने आप में संवारती है और सब तक पहुंचाती है। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी जी
बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी, हाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए बीच की आवाज हमें सुनाई नहीं दी। हेलो, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? हेलो योगेश जी, योगेश जी आप सुन रहे हैं ना? आवाज सुन रहे हैं आवाज? अच्छा अच्छा अच्छा, दरअसल बीच में आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी इधर से हमारी तरफ से लगता है, तो हम आपकी बात पूरी नहीं समझ पाए। तो आपने भी लखनऊ की बात कर रहे थे, लखनवी बहुत सारी बातें। अच्छा, अब हम योगेश जी आपकी तो बहुत सारी बातें हैं, इसके लिए हमें लगता है बहुत सारा वक्त भी चाहिए, लेकिन आपने एक फिल्मों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग जगह बनाई है। ये फिल्मी सफर आपका कैसे शुरू हुआ योगेश जी? फिल्मों संदर्भ में मैं तो कभी नहीं लखनऊ से कहीं, लेकिन लोग मुझे ढूंढते हुए आ गए, कैसे क्यों पता नहीं। मैंने शतरंज के खिलाड़ी जब सत्यजीत साहब ने थी, तो वो जिस जगह शतरंज खेल रहे हैं दोनों दीवाने, वो मैंने ही उनको जगह बख्शी तालाब के आगे बाना गांव में, एक टीला है उस पे कई लोगों ने हमारा दिया। जो करीब बावली इमामबाड़ी के पास, वो भी मैंने उस समय अवतार सिंह साहब दुर्गे हुए थे, तक मैंने से एक सिलसिला बन गया। जुनून में मेरी बहुत भागीदारी रही, और श्याम बेनेगल साहब ने इलस्ट्रेटेड वीकली में बहुत लंबा प्रकरण लिखा कि जुनून में आप जो कुछ भी अच्छाई सच्चाई या गहराई देखते, ऑल दैट वाज गिवन बाय ए पर्सन देयर, दैट इज डॉक्टर योगेश प्रवीण, हु वाज एसोसिएटेड विद अस, पूरा की मलिहाबाद की वो काकोरी के दरवाजे, वो बाग बगीचे, वो तमाम रास्ते, वो खंडहर, अब तो सब बदल गया, अब तो कुछ बाकी है भी नहीं। खैर, इसी से उस फिल्म में एक अलग स्टेप था पाता, वो थी। उसके बाद फिर उमरावजान में भी मेरा सहयोग रहा, फिर एक जहरे इश्क फिल्म बनी। मैं ये बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि जहरे इश्क एक मसनूई है, नवाब मिर्जा शौक ने उसे, जो नवाजगंज में हरदोई रोड पे ठाकुरगंज के करीब रहने वाले थे, एक जमाने में अंग्रेजों ने पर बैन लगा दिया था। ये इतनी दुखद था कि नौजवान लड़के लड़की जब पढ़ते थे सुसाइड कर लेते थे, इसलिए बैन कर दी गई थी। इन जानिए मसनवी होती है जब उर्दू की पोएट्री कोई अपने अंदर कहानी लिए हुए होती है, और जी एक चर में वो पूरी कहानी कह दी जाती है। इस तरह की ये मसनवी पीढ़ी, आप सभी परिचित हैं, मैं परिचय कराए देता हूँ उस फिल्म की। तो फारूक शेख साहब उसमें हीरो थे, लेकिन उसी के कुछ अशार जो हैं वो आपने और फिल्मों में सुने हैं, उनसे आप समझ लेंगे उसकी क्या आदा थी। वैसे तो सहरुल बयान और मीर हसन साहब के वो जब तक कि जुल्फे सवारा किया खड़ा उस पे मैं दिल को वारा किया, इस तरीके के लेखने आने में थी। लेकिन इन्होंने जब लिखा, आपने देखा उसमें कि पान कल के लिए लगाते जाएं, याद अपनी तुम्हें देखते जाएं, देख लो आज को जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के। वाह 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 वाह, ये उस है जो फिल्मों में बाद में यूज किए गए, लेकिन वो पूरी कहानी पूरी किताब पूरी का जो एक बहर में कलम बंद है उसका कोई जवाब नहीं जी। तो लखनऊ के लिए बहुत बहुत याद किया गया हमेशा, और हर चीज में मैं कहना चाहूंगा लोगों से जिस अदा के लिए वो बच्चों तक पहुंचनी भी चाहिए कि इंद्र सभा होती थी या सावन का मेला या बसंत का उत्सव, उस सब में के बादशाह भी शिरकत करते थे, बहुत रंग रास के साथ होता था। अब देखिए पता है कि जब वो पीले पोशाक में आती है तो सोने के पीले फूलों का श्रृंगार किए है, पीले परिधान है, तो उस तरीके से उसमें आती है।
तो वो उसमें उसके बयान करते हैं सब है जल वय तन से दर दीवार बसंती है जल वय जी जी दरो दीवार आरो तन से दरती हरा भी बसंती है तो गुलजार बसंती सारी जो मीनाकारी है उसको देखिए गहना फूल एक तन है यानी जिस्म की शोभा का नाम गहना फूलों का जेब तन धान थोड़े की क्या पवन है उतरी गुलशन में जब सवार सूरज ने आरती उतारी जी जी हेलो हाँ जी हेलो हाँ कुछ हेलो योगेश जी हाँ योगेश जी योगेश जी हेलो हाँ हाँ हम ये कह रहे थे बहुत सारे लोग आपको एक इतिहासकार के रूप में जानते हैं लेखक के रूप में जानते हैं लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी मेडिकल साइंस में आप गए थे वो शुरुआती दौर की बातें हो जाएं किस तरह से आपको अपनी माँ से प्रेरणा मिली फिर आप इधर आए लिखने का काम आपने लिखने लिए अपने हाथ में कुछ उन दिनों की बात याद है आपको योगेश जी आप सुन रहे हैं मुझे हम अपने साथियों को बताना चाहेंगे कि हाँ योगेश जी हाँ कि वो असल में मैंने वक्त ये पाया ब्रिटिश पीरियड के बाद नई नई आजादी मिली अपने आप में गुम हो रहे थे इधर उधर जी तो मैंने कि जो भी इतिहास लिखा गया है हमारे यहाँ का वो राजसत्ता से प्रभावित होकर के ही लिखा उसके सिंहासन का पाया दरबारी लेखक लिखते थे तो उसमें ज्यादातर उन बादशाहों की तारीफ है जिनके मारे चिड़िया ना मर जाए उनको वो नौशेरवा बयान कर इस तरीके के होते थे तो मैंने सोचा इसमें जनता का और इस नगर की सभ्यता का तो कोई अपना इतिहास भी तो होना चाहिए ये तो दरबारी इतिहास है कि नागर साहब ने मुझको कई महफिलों ये मेरे लिए सुख का विषय है कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य समझा और मुझे जहाँ भी मिले तो उन्होंने कई जगह कहा कि मैं मूल रूप से गुजराती और आयाती थी लखनऊ में मैंने की गलियों में जिंदगी गुजारी वहाँ की गलियाँ मेरी दूरबीने थी और वहाँ अमृत और विश्व बूंद समुद्र ये सा करवट ये सारे उपन्यास लिखे जो वहाँ के हालात को बयान करते लेकिन अवध की तहजीब और लखनऊ पर बात कहने में बहुत आगे जाएगा उनका आशीर्वाद था और उन्होंने बताया कि एक एक लकड़ी से ये बात करता है इस तरह से है तो जाहिर है कि मैंने भी उस इतिहास को पुनः उजागर करने की गरज से कि वो जनता का इतिहास है उसमें जो जनमानस की भागीदारी है उसको भी पहचाना जाना चाहिए रेखांकित किया जाना चाहिए कोई तख्त पे बैठा हुआ हाकिम ही नहीं है ठेकेदार होता है हर चीज का तो इस तरह से आप देखेंगे मेरी किताबों में एक गली का है हाल और उसमें ऐसी ऐसी हस्तियां उजागर हुई आप जानते हैं लखनऊ के लिए आप सोचिए चौक का एक बार मैं बता दूं जहां रेहाना रहती थी पहले ये आपके नखार के करीब पीछे जहां कटरा अबू तराब वहां की एक बात वहां पे एक हकीम शमसुद्दीन हुआ करते थे अच्छा बड़े नामी हकीम वो तो नब देख के पूरा जाते थे वो दवा देते थे औरतें पर्दे में आती थी पार्लर में बैठ के और उनकी नाड़ी में ताक उनको पकड़ा दिया जाता था अब पुरानी बातें हैं वो हाल बड़े नामी थे दूर दूर पंजाब से बिहार से मध्य प्रदेश से उनके मरीज आते थे तो हकीम साहब एक जमाने किए गए कि वो कॉरपोरेटर के चुनाव के लिए तो अमीनाबाद का हलवाई खड़ा हुआ था तो उन लोगों ने कहा नहीं हकीम शमसुद्दीन सबसे मुनासिब हैं उन्होंने बहुत सेवा की मानवता की तो हकीम साहब खड़े कर दिए गए अच्छा उसी वक्त पता नहीं चौक में कुछ दिलजले थे जिनको क्या मखौल सूझी कि वो हकीम साहब के खिलाफ कोई खड़े होने को तैयार ही नहीं हुआ अब वो अकेले ही जीत जाते लेकिन उन
बदमाशों ने काम किया कि चौक की ठंडी सड़क की दिलरुबा जान को खड़ा कर दिया, जो जमाने की बड़ी मशहूर तवायफ थी, नाचने गाने में उस्ताद, बड़े बड़े झुमके झमकाती हुई, पान चबाती हुई जिधर से निकलती थी भीड़ लग जाती थी। तो अब जब दिलरुबा जान खड़ी हुई तो जाहिर है कि हकीम को लगा कि अब तो मेरी नाव ढगमगा रही है, क्योंकि हकीम तो पांच आदमी लिए अपने बैठक में बैठे हैं, दिलरुबा वहां तख्त जुड़वा के शाम कालीने बिछवा के उसके ऊपर चांदनी सज रही है, मीर फर्श और लैंप लगाए जा रहे हैं, शमादान और तमाम अल्लाह रखी लो हुसैन बांधी लो वो जीती थी बड़जदान और ये सारी तमाम उतर उतर के मुजरा कर रही हैं वहाँ पर, और लश्के मुनीर बद्रे मुनीर। तो हकीम ने सोचा कि इन चंडालों ने मेरी तबाही करा दी और कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि तुम लोग हो, तुम लोगों ने अच्छा मजाक किया, जाहिर है वो औरत जीतेगी और हमारी बदनामी। तो उन लोगों ने कहा नहीं, कहा वो इतना गंदा कर रही, हमारी तरफ से क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। तो उन्हों लोगों ने एक स्लोगन बनाया, दिल तो दीजिए दिलरुबा को, दिल तो दीजिए दिलरुबा को, शुद्दीन को। बस ये नारा लिख के उन्होंने जगह जगह उस जमाने में पोस्टर वोस्टर कर, गेरू से नील से लिख, यही जगह जगह लिख दिया, दिल तो दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। और जाहिर है कि हकीम शमसुद्दीन वो चुनाव जीत गए। आखिरी बात कहूंगा जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो जीत गए तो भाई तमाम लोग आए की बैठक को, बधाई दे, मुबारकबाद दे, मिठाइयां लेके आए, कुछ पान लेके आए, होता रहा। दिलरुबा भी आई एक दिन पालकी पे बैठ के, चार कहार लेके दरवाजे देवड़ी, और वो अपना कमखाब दरी से लदा फंदा लहंगा उड़नी पहने, झूमर बांधे गुलूबंद, और पान चबाती हुई थी बैठक में आके बैठी। उन्होंने कहा भाई खिदमत पे क्या मंगाया जाए, शरबत नोश फरमाएंगी, क्या खाएंगी, मैं कुछ और ज्यादा बात करने आई नहीं हूँ, सिर्फ अपने दिल का हाल और मलाल करने आई हूँ। कहने लगे क्या, कहने लगे आप इस मेरी हार से ये बात तो तय हो गई कि लखनऊ शहर में मर्दों की गिनती बहुत ज्यादा है, मर्दों की बहुत कम। जी जी, बहुत सही बात है। और देखिए आपके बहुत सारे चाहने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने उन लोगों के मैसेज हम आपको दिखाते भी जा रहे हैं। और वास्तव में योगेश जी का एक ऐसा नाम है जो एक लखनऊ की पहचान है। जब भी लखनऊ का जिक्र होता है किसी के जबान से भी कहीं भी होता है तो योगेश जी का नाम सबसे पहले आता है। और ये इसलिए भी क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि योगेश जी ने अपने पूरे जीवन को कला और कलम को समर्पित कर दिया है, लेखनी को समर्पित कर दिया है। वो लिखते, जब से लिखना शुरू किया लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे और हर विधा के लिए उन्होंने अपनी कलम चलाई है। वो एक इतिहासकार के रूप में या फिल्म से जुड़े फिल्मों का अलग अलग हिस्सा रहे, वो कभी लेखक के रूप में, कभी एक सहयोगी के रूप में, कभी गीतकार के रूप में, मार्गदर्शक भी रहे, एक गीतकार के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। अब हम गीतकार योगेश जी से रूबरू होना चाहते हैं। जी योगेश जी, जो आपका एक गीतकार का जो पक्ष है, गीतकार का जो एक, वो भी अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है, और हमें लगता है कि लखनऊ का शायद ही कोई ऐसा गायक कलाकार हो जिसने आपकी रचनाएं न गाई, मतलब ये शायद ही कोई ऐसा हो, वो चाहे पुरानी पीढ़ी का हो चाहे नई पीढ़ी का हो। आज भी जो नए लड़के लड़कियां गीत गाते हैं, चाहे वो गजल हो चाहे भजन हो, किसी भी शैली में आपने उन सब का मन रखा है, सबको गीत दिए हैं, तो ये जो आपका गीतों का जो सफर है इसके बारे में बताइए। जी तो ये तो है, पहले मुझको हिंदी संस्थान ने अवार्ड दिया, पुस्तक मयूर पंख पे था ना, और इसके अलावा फिर रेडियो में भी मैं एक परमानेंट गीतकार के तरीके से उनकी फरमाइश पे भी हूँ। मेरे गाने सबसे अधिक
सुमन हार में 350 भक्ति गीत हैं, इंद्रधनुष है, मयूर पंख है, उर्दू में सनम खाना, पीले गुलाब, वो सभी सब लोग गाते हैं। खुश होते, मुझे यही अच्छा लगता है, यही इनका नसीब होना चाहिए था और ये सब तक पहुंची मेरे की आवाज और लोगों के काम आ रहे हैं ये रचना गीत, तो इससे बढ़ के इनके सिला क्या हो सकता है। और लखनऊ के आखिरी बात कहूँगा कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। जी, बहुत सही बात कही। और सच में हाँ, योगेश जी क्या कह रहे हैं, आपके पास अभी वक्त है या अभी क्या कहना चाह रहे थे? चलो अभी हम योगेश जी जो साहित्य की जो नई पीढ़ी है जो लेखन की तरफ आगे बढ़ रही है, हम चाह रहे हैं कुछ उनके लिए आप वो कैसे लिखें, उनकी लेखनी कैसे सही हो, वो किन किन बातों पर ध्यान रखें, कुछ इसके बारे में बताएंगे योगेश। हाँ, मैं नई पीढ़ी के आगे बढ़ बहुत अधिक प्रभावित हूँ और मुझको एक भरोसा हो रहा है कि हमारी अपनी जो विशेषताएं हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारी संस्कृति के संवहन की बात आई, वो आगे जा रही है। लेकिन मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी प्रस्तुति के पहले ही वो अपने आप को पहले अच्छी तरह से कसौटी पर तैयार करें और उसके अंदर क्या कमी रह जाती वो किसी से सीखें। अगर कोई किसी की उंगली पकड़ करके चलता है उसमें निखार को पैदा करें, नहीं तो कुछ रचनाएं आ जाएं कल गायब हो गई, ऐसा ना हो। उनकी रचनाओं का मान सम्मान भी हो, सामाजिक योग भी हो और वो आगे भी कायम रहे, इसके लिए उनको तैयारी भी करनी चाहिए और बड़ों का सहारा भी लेना चाहिए। मैं उससे ज्यादा बहुत प्रभावित हूँ और मुझे ये कतई गम नहीं है कि ये विधाएं आगे नहीं रहें, उसके प्रमाण मेरे आसपास हैं, सामने आप खुद। हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा और बहुत हमें तो बड़ी घनिष्ठता मिली है आपके साथ। और योगेश जी के बारे में एक बात हम और लोगों को बताना चाहेंगे कि ये सारी बातें तो हैं ही, कलम की बात हुई, लेकिन वो बड़े अच्छे गायक भी हैं। हमने लोकगीतों की महफिलें भी उनके साथ जमाई हैं। योगेश जी आपको याद है जब हम लोग लोकगीतों की महफिलें भी जमाया करते थे और पाराशर जी के यहाँ और भी कई जगह पे, तो जी कुछ बताइए इसके बारे में। हमारा कि वो महफिल है अब भी कहीं दर्शक है जानना चाहते हैं आपके इस ये हुनर है जो आपका, शायद बहुत सारे लोग इससे रूबरू ना हुए हों। जी बताइए योगेश जी। गायक आपने गाया आपने तो तमाम महफिलों में सुना भी है और आज भी कभी कभार जब जाता हूँ तो हारमोनियम पे हाथ रखना ही पड़ता है और खास मैंने देखा कि लखनऊ की बहुत सी जो विरासत है लोगों तक पहुंची नहीं। तो मैंने बताया कि आप सोच लीजिए कि मदन मोहन साहब आते थे, बेगम अख्तर साहिबा, क्या मैं उनसे खुद मिला हूँ, मैं पसंद भाग उनको ले गया हूँ, वो जो गाना उन्होंने बनाया झुमका गिरा रे बरेली बाजार में, वो गाना रेडियो स्टेशन वो यहाँ थे, वो यहाँ गाती थी औरतें जमाने में, इक्के वाले रे इक्के पर्दा खोल दे, समझे इस गाने को जानते थे, मोमिने रसने चौक की, ठाकुरगंज की और ये देवा के मेले में और अवसरों पे, तो तमाम कठोर सांस ले गए, उससे उन्होंने बहुत कुछ जाना भी, बनाया भी, सीखा। वो मेरे साथ अच्छा वक्त भी उन्होंने गुजारा बेगम अख्तर साहिबा के बहाने। अच्छा, बेगम साहिबा ने भी उन्हें बता दिया था कि लड़का है तो भी कम उम्र का छोटा ही, लेकिन इसको जानकारी बहुत है, अगर कहीं जाना हो लखनऊ में तो आप इनसे पूछिएगा। तो उनके शौहर थे, उन्हीं ने मुझे भेजा इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब ने, तो उन्होंने रास्ते में मुझसे बहुत बात की, उन्होंने सोचा भी था कि मैं एक यहाँ पर ग्वालियर की तरह
एक वार्षिक समारोह करूंगा संगीत का, जो बेगम अख्तर साहिबा को समर्पित होगा ये वो। लेकिन देखिए बदनसीबी कि वो यहाँ से जाने के बाद खुद ही विद इन ईयर एक्सपायर कर गए थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने बहुत सी बातें बेगम साहिबा के मातहती सीखी, और वैसे वो गाने हमारे लोगों में, चूंकि हम खास लखनऊ के रहने वाले हैं तो वो आसपास से हमको हमेशा से मालूमात होती रही, बड़े गजब होते थे। अब आज कोई उन्हें जानता नहीं, उनका कोई जोर जवाब भी नहीं है। अब वो हेलो हाँ आप जो यहाँ बनने गाए जाते थे उनका पता नहीं है, हरियाले बनने कच्ची कली को मत तोड़ियो, मेरे प्यारे बनने कच्ची कली को मत तोड़ियो, मालनिया देगी गालियां तुमको रे। तो ये तमाम अदाएं लखनऊ की थी जो धीरे धीरे से तेज गाम होने पे जमाने के गुम होती जा रही है। ठीक है, बात कर रहे हैं, हेलो बात कर रहे हैं, हेलो कैंसिल हो गया आवाज आ रही है। हेलो 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 हाँ कहिए, आवाज आ रही है ना, आपकी फोटो में ही आ रही है। देखिए देखिए राजुल भी आपके साथ आ गई है, ये लीजिए राजुल से मिलिए। प्रणाम आदरणीय, प्रणाम आदरणीय, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रणाम में राजू कि शायद तुमको इतना और कोई ना सुनता तो जितना मैं सुनता हूँ, कि मैं सखी सहेली में अक्सर तुमको बात कर आपका आशीर्वाद है, और ये मेरा सौभाग्य है कि किसी भी तरह से भागते दौड़ते मुंबई के ट्रैफिक में शायद मुश्किल होता आपके दर्शन कर पाना, इस तरह से आपको बोलते सुन पाना, जो कि एक ऐसा लगता है कि जैसे वो जो अनुभूति है वो गूंगे का गुड़ है, वो हम बता नहीं सकते कि हमें कैसा लगता है, लेकिन ये मिल गया और एक ऐसा पल सच हो गया जो कि मेरे लिए कल्पना में था हमेशा, और आज वो पल सच हो गया है। आदरणीय डॉक्टर योगेश प्रवीण जी को मैं सामने देख रही हूँ, बात करते देख रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की, और मतलब हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छा लग रहा है। जी आप सुन रहे हैं ना हमारी आवाज, हेलो हेलो आवाज तो आ रही, सुन भी रहे हैं। अच्छा, हमारे बहुत करीब थे और राजुल भी हमारे रिश्तेदारी में है, याद जान जाए। जी राजुल को आपके जो एक रिलेशन है वो हमारे संगी है। जी जी आप जानते हैं। जी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही, हाँ अब आई अब आई अब आई। हाँ मैंने बताया वो हमारे संधि है जो आपके बड़े क्लोज है, अलीगढ़ में रहते हैं। अच्छा 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 जी 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 जी
हाँ जी, समझ गए। बहुत आज का ये दिन बहुत अच्छा लगा। आपके मुंह से हम एक आपने बहुत सारे गीत सुनाए होंगे, बहुत सारी कविताएं हम अभी रिकॉर्डिंग में सब ये सब देखेंगे। हम आपके मुंह से, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी एक वो जो राम के ऊपर आपने बहुत सारा कुछ लिखा है, हमें एक गीत सुना दीजिए राम के ऊपर, बहुत सुंदर है वो भजन, आप सुना दें। राम, श्री राम के ऊपर आपने, श्री राम पर आपने एक भजन लिखा है, श्री राम पर आपने अनेक भजन लिखे हैं, एक कोई भजन इस वक्त वो गीत है, भजन है, आप सुना दें प्लीज। वो बताइए, सुना। हाँ, मैं सुना दूं, आप सुना, मैं आपको सुना दो चार टाइम। राम पर जो भजन लिखा हूँ। जी जी, आपने बहुत सारे लिखे, आदरणीय आपने बहुत सारे लिखे हैं। एक हमने ऐसे सुना था इस समय, वो हमें बस ये याद आ रहा है कि वो आपका राम का भजन ऐसा अनूठा था कि हम सब ठगे हुए के बैठ के सुनते रह गए थे। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो, नहीं तो कोई भी रचना सुना दीजिए। मतलब अभी बॉम्बे में आपके गाया था एक लड़के ने हमारा भजन, वो हमारे जी, पास जी। उसके संदेश आए थे, राम रमापति युगल चरण में ये जीवन बलिहारी हो, राम रमापति युगल चरण में ये जीवन बलिहारी हो, मन के मनोरथ पूरे हो, कनक भवन का शुभ आंगन हो, सिंहासन हो, आसन पर सरकार सजे हो, संगतिया सुख नारी हो। ये उन्होंने पूछा कि ये किसने लिखा, भाई साहब है लखनऊ में रहते हो ना, कहने लगे इस भजन में तो विजुअलाइजेशन इस कदर है कि हमारा मन अयोध्या पहुंच गया था। हीरा भी ठोकरे खाए चौरी के पास न जाए तो है। आपकी मम्मी हमारे बहुत अच्छे कहते रही हमेशा से, प्रमिला जी से समझ गए ना तो। जी वो बहुत बहुत ज्यादा आपका, आपके बहुत सारे बातें सुने हैं आपकी, बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है जो लगता है कि वाह क्या शख्सियत होगी, और आज आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए मेरी जिंदगी का एक बहुत खास मौका है, और ऐसा पल है कि लग रहा है कि बहुत सारी चीजें सजीव हो गई हैं जीवन में आज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच में आ गई हूँ, आपके अशोक जी से बात हो रही थी इसीलिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल लोक संवरण नहीं कर पाई कि मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा एक मिनट के लिए सही मैं एक बार आदरणीय से बात करूँ और उन्हें देख लूँ बस, फिर मैं अशोक जी को भी वापस दे रही हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने आज इस मंच पर आया और बात, मुझे बात करने को मिल गई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सबको आशीर्वाद। हेलो, हेलो हेलो हेलो, आज बड़ा अच्छा था आज का ये समय, और योगेश जी हमारे साथ रहे और इतना अच्छा समय योगेश जी के साथ हम सभी ने बिताया, और हमें लगता है कि योगेश जी के साथ की दुनिया भी, हमारे जितने भी समय दर्शक हैं वो सभी सजोए हुए होंगे, और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी इस तरह के मिले।
और हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह से जो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने हमारे देश में बल्कि देश के बाहर भी उन्होंने अपनी कला, अपनी संस्कृति, इन सब की पहचान कायम रखी है, उन सब से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आज हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जी नमस्कार।